Hey guys, welcome to the new vlog. आज का व्लॉग बहुत अलग है. टुडेज व्लॉग इज नॉट लाइक माय यूजुअल व्लॉग्स. आज कोई दोस्त नहीं है, आज कोई बकचोदी नहीं है. टुडेज व्लॉग इज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माय मॉम. मैं और मम्मी बात कर रहे हैं अबाउट माय चाइल्डहुड, मी ग्रोइंग अप, व्हाट वाज स्कूल लाइक. आई हैव नेवर अपलोडेड अ व्लॉग लाइक दिस, सो आई एम अ लिटिल नर्वस, बट हियर गोज नथिंग. एंजॉय द व्लॉग गाइस. वी हैव ऑर्डर्ड सुशी फॉर डिनर. मम्मी इज गोइंग टू रिव्यू दिस सुशी. लेट मी ईट फर्स्ट, देन आई विल रिव्यू. व्हाट आर यू ईटिंग राइट नाउ? Oh, this is truffle and wild mushroom dim sum. Truffle and wild dim sum. I like the name more than what it is. Achha. But it's nicely color mustard. Pink color and green color ka dekhna. Mast hai na. Have appearance, the layout. Mast hai. Nice presentation. It's called kimchi. I don't know what it is actually. Why don't you eat and tell? Kya ye? Ginger. Oh my god, yuck. What yuck? What is it? Yuck, it's so bad. It. Ye kya? Ye? Chutney. I have one bite in, see? Yeah. It's called wasabi. Supposed to be very strong. Wasabi is a plant. You get a plant called wasabi. So you're supposed to dip this in this. You put little wasabi on top of it and then you eat it. Now eat. Very little I've put. You ate it like chutney, like this full. Just little bit. Now eat. Andar mushroom wagera hai. This is also mushroom based sushi. So little bit you'll get wasabi, little bit soya sauce. Nice. What? You like? You're still eating ginger. Can't believe I bought you sushi and you're eating the ginger that comes with the sushi. When I put you in the vlog. Don't put me in the vlog. No, I said I already put no. So sab log pooch raha tha ki tumhara mummy itna chota aur tum itna bada kaise hai. Huh? मेरा पिताजी बड़ा था बोलते हैं. मेरा ग्रैंडफादर बड़ा था या समथिंग लाइक दैट. समबडी एल्स. मम्मी छोटी है तो बेबी छोटे में ही जन्म लेते हैं. बाद में यू पुट ऑन वेट. व्हेन डिड आई बिकम फैट? यू स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट आफ्टर यू वर थर्ड मंथ खत्म होते हैं. चौथा महीने दैट अर्ली. फर्स्ट ईयर यू वर 1 किलो ओवरवेट फॉर अ नॉर्मल चाइल्ड. 1 ईयर कंप्लीट. हाउ आई बिकेम सो ओवरवेट ऑलरेडी? इट्स देयर समवेयर इन द लिनेज. व्हेन डिड आई बिकम फनी? When I was a child. Funny? That was only in 9th, 8th and 9th. Yeah. I was funny before that also. Yeah, maybe. Because नीचे जाते तो वो दर्दम आते बोली थी ना तो बाहर कार रहता था और सब बच्चे लोग को बुला रहता था तो जाके बॉनेट के ऊपर बैठता था. And like a Ganpati used to see. And then he would call all of them and उन लोगों सबको उपदेश देता था. बोलते कुछ कुछ पता नहीं. उपदेश मतलब क्या? Sermons. अच्छा. क्या sermon देता था? नहीं पता. I don't know. She must be knowing better. अच्छा. That time you were comedian. I सबको लगा था. Streaming. तभी से streaming करा था मैं. Streaming. नीचे बहुत तेरे को चिढ़ाते थे बिकॉज़ यू वर फैट ना. बहुत ऐसे को यूरिन कंट्रोल का प्रॉब्लम रहता था टिल यू वर इन 5th और 6th स्टैंडर्ड. सो बहुत लोग चिढ़ाते थे और तू रो रो के आया करता था. सो आई यूज्ड टू टेल यू वी विल डेवलप सम स्किल वेयर एवरीबॉडी विल स्टार्ट लाइकिंग यू. देन आई पुट यू इनटू म्यूजिक व्हिच यू डिड वेरी वेल. ओह दैट्स व्हाई यू पुट मी इनटू म्यूजिक. यस. टू डेवलप सर्टेन स्किल्स व्हिच नोबडी एल्स. क्या है हाई फाइव. मस्त किया काम एकदम. मस्त किया. फिर मैं फनी हो गया उसके बाद. दैट इज व्हाई जोक्स तो सभी को पसंद आते हैं ना. हां. सो आई सेड चलो वी विल डू दैट एंड आई गॉट दैट इसका कैसेट. जॉनी लीवर्स का. आई हैड ट्राइड टू सेंड यू फॉर इंग्लिश सुधारने के लिए इन ब्लॉसम बट यू डिडंट गो फॉर बियॉन्ड 2 डेज. स्टोरी टेलिंग ये वो सब के लिए. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू हेट इट. हां यू वुड नेवर. मैं दो बार गया. आई वाज सब लोग इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते रहते थे. हां वहां पे सब बच्चा लोग एंड माय इंग्लिश वाजंट सो गुड देन. गाइस सो देयर वाज दिस टीचर एंड आई यूज्ड टू गो फॉर ट्यूशंस. मतलब मम्मी ने मेरे को भेजा था कि वहां पे जा. वहां पे करता रहा पब्लिक स्पीकिंग पोएट्री वगैरह वगैरह. एंड आई रिमेंबर गोइंग एंड दैट इंग्लिश दैट टीचर she had such proper english. she was so good at speaking and all the other kids were so good that I was like mere ko dar lagta hai sab jagah se. then I ran away.
सो मेनी ऑफ यू लीव कॉमेंट्स नाउ सिंह भाई इंग्लिश में इतना मत बात करो वगैरह वगैरह. आई वॉज लाइक दिस ओनली. आई यूज टू बी वेरी स्कैर्ड. आई डिडंट नो. एंड नाउ व्हेन आई स्पीक प्रॉपर इंग्लिश एंड ऑल पीपल आर वेरी इंप्रेस्ड नाउ हाउ वेल ही स्पीक्स अबाउट. सी आई डिडंट नीड योर ट्यूशन. मैथ्स टीचर समवेयर इसमें महावीर का दुकान के उधर कोई टीचर थी. यू वर वेरी फॉन्ड ऑफ हर. आई शुड लव हर बिकॉज़ शी इज वेरी लीनियंट. लीनियंट हां उतना होमवर्क होमवर्क करने का जरूरत था. माय ओनली थिंग वाज आई यूज्ड टू टेल हिम यू ईट आउटसाइड यू टेल दैट डोसा वाला. यू वर वेरी फॉन्ड ऑफ डोसा से नर्स एंड देन मिठी भाई फ्रेंकी एंड डोसा मिठी भाई साहब यू स्पेशली टेल दैट गाय टू यूज लेस ऑफ ऑयल फॉर यू एंड सी टू इट यू ईट बट take care of this bolke bahut bolte the. That's when you put on more weight in college. In college after 10th standard. Till 10th standard you were very nice. Kyunki depression ho gaya tha na humko. Kya ka depression? College jaane ke baad depression hota hai. Humko 65% aaya tha to papa ne science lene ko bola tha to humne liya tha. Papa ne nahi maine nahi bola tha. 10th standard mein humko acha marks aaya tha. 10th standard mein acha marks. Acha marks aaya tha. So then you said oh take science. Afterwards you can change. I hated it. So bad. The only reason I took science was because in my society nobody had gotten 87, 88, 89% and not taken science. Everybody had taken, remember? That was not my purpose of telling you to take science. My purpose of telling you to science is knowing your body and physics ke upar thoda biology jo cheez malum rehna chahiye. That you should know only. That is why I told you to take science up to 12th standard. Then you have a array of things. बोलके बोला था. क्या फायदा हुआ? फायदा लेना नहीं लेना. That's up to you ना. Drawing and all also. Drawing. Drawing you were never good. I tried sending you, but you were never good at drawing. You didn't like. You hated the subject. But in school you were always on the stage. अरे नर्सरी में रिमेम्बर दैट फ्रेंड ऑफ योर्स तुम लोग दोनों सनफ्लावर बने. यू आर द डूइंग अ रोल ऑफ द फादर दैट टाइम बैंड पेन केजी में. फ्रॉम दैट टाइम यू हैव बीन स्टेज फियरलेस. यू आर ऑलवेज ऑलवेज ऑन द स्टेज. बट यू आर द ओनली स्टूडेंट इन द फोर्थ स्टैंडर्ड फाइनल में अगस्त 15 को लेक्चर देना पड़ता था ना. यू आर द ओनली स्टूडेंट दैट टाइम. फोर्थ स्टैंडर्ड से सेकेंडरी स्कूल में जाके स्पीच दिया था. स्पीच दिया था. And everybody loved that. You had written that essay, no? Yeah. I remember. I used to make you write the essay. You were good in poetry reading, all that. Storytelling, nahi tha, but all other. Elocution was in 8th standard, you picked up very well. 8th, 9th, 9th, mein kitna elocution competition mein gaya tha. Bahut sare elocution competition. 10th mein gaya tha. Everybody makes their children read and this thing, but 10th standard, mein, you used to go to inter school elocution, Bindas. Ah. My 10th standard, I was very comfortable. Yeah. तभी English सब सही हो गया था. I was good at talking. That was because of the computer that I had got you in 8th standard. I had got you early computer that time. And you were spending quite a lot. And I didn't know you were good in English at all. किधर से news क्या किधर से क्या पढ़ता था I don't know. But all of a sudden after 10th standard everybody started telling me his languages are very good. I was quite surprised. I never paid so much of attention. सिर्फ वीडियो गेम नहीं खेला माँ हमने पढ़ाई वढ़ाई भी किया. फोन बिल कितना आता था. इंटरनेट हम लोग फोन से कनेक्ट करता था ना. BSNL लाइन था. The first phone was such a big black color. Remember? Motorola phone. Guys, so at that time, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा फोन लगेगा और किसने उठाया तो कॉल का चार्ज कट होता है उस पे. आई शुड थिंक कि वो एक मिनट बात करने का 3 रुपया है, राइट? सो आई यूज्ड टू जस्ट मिंजी जो सोसाइटी से पता लगाने के पप्पा वापस घर पे आए कि नहीं. आई वुड जस्ट फोन एंड इफ यू पिक्ड अप आई वुड कट इट. आई वाज लाइक अरे नहीं आया पप्पा, नहीं आया घर पे. उधर पप्पा फोन उठाता था. इतना होशियार था मेरे को नहीं मालूम था क्योंकि तभी लिखा था कि ओ 1 मिनट के लिए 3 रुपीज. समझने को कोई बैठे गिनता रहेगा कितना होगा. घर का किस तो एवरी टाइम यू वुड लूज. आई वुड लूज एंड फोन आल्सो. यू आर लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ फोन. बट आई हैड गिवन यू एवरी टाइम फोन. कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस में उसमें सब यू यूज्ड टू बी द लीडर ना. सो यू वर द कोऑर्डिनेटर्स एंड यू वुड डू लॉट ऑफ वर्क ऑन फोन. फोन सो फोन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ऑलवेज सप्लाइड यू sort of that you always had nice phone. Phone nice to get. Yeah, we bought all new phone also. You bought Nokia 6600.
फिर ब्लैकबेरी बहुत टाइम तक था ब्लैकबेरी आई टोल्ड यू दैट मतलब फॉर एजुकेशन एंड दिस थिंग आई विल ऑलवेज फंड यू या बट व्हाई एम आई सो डम स्टिल डम